हेलो एवरीवन, मैं सदा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एग मलाई मसाला। तो मैंने इसके लिए लिया है प्याज 3 और हरी मिर्ची, दोनों को पेस्ट बना लिया है। अंडों को मैंने बॉईल किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और ड्राई मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आज आपको बताऊंगी एग मलाई मसाला विदाउट क्रीम, क्रीमी मसाले में। तो तेल में मैंने सबसे पहले डाला है, तेल पहले गरम कर लिया है और सबसे पहले मैंने जो प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसको ऐड किया है। अब हम मसालों को धीमी आंच पे भुनने देंगे। एटलीस्ट 10 मिनट तक हमें लो फ्लेम में इसको भूनना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जितना मसाला हमारा अच्छा भुनेगा उतना ही टेस्टी हमारा खाना बनेगा। अब हमारा मसाला भुन गया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब इस पेस्ट के साथ भी हम इसको लो फ्लेम में 15 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही इंस्टेंट और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये रेसिपी है और यकीन मानिए टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होता है और इसका क्रीमीनेस और क्रीमी फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको चाहे तो लंच, चाहे डिनर, चाहे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। जैसे ही इसका तेल जो ऊपर सेपरेट हो जाएगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए तेल धीरे धीरे छोड़ रहा है हमारा मसाला। तो इसको भूनने देते हैं, आइए देख लेते हैं। जो अंडों को मैंने बॉईल करके रखा था उसको हाफ कट कर लिया है और मुझे दूध चाहिए जो मैंने 200 ग्राम्स लिया है। अब हम अपने मसालों में ये सब ऐड करेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। याद रखिए हमें गैस बंद करके दूध मिक्स करना है। जैसे ही हम गैस बंद करेंगे, दूध मिक्स करने के बाद मसालों के साथ दूध को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब मिक्स कर लिया है, हम गैस को वापस ऑन कर लेते हैं। ये देखिए क्रीमीनेस, एक अलग ही फ्लेवर है। अब हम सारे ड्राई मसालों को ऐड करेंगे। इसके साथ हम अच्छे तरीके से थोड़ा 10 मिनट तक पकाएंगे अपने मसालों को। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने। वाओ, हमारी मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अंडों को ऐड करेंगे। अंडे बहुत ही मतलब आप अच्छे से डालिएगा जिससे हमारी जो अंडे की योक है, जर्दी है, जो बाहर ना आए। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे। अंडे डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है। तो देखिए हमारा एग मलाई मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। तो ऐसी ही डिलीशियस वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं या कैसी लग रही हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वीडियोज़ आपके पास पहुँचें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।